चलिए स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अभी तक हमने क्या क्या कर लिया। देखिए मैं आप लोगों के लिए तो सारा सारा बोर्ड पे कर रहा हूं, उसी तरीके से आपने नोटिंग भी करना है। अगली क्लास में मैं टेस्ट भी रखूंगा और टेस्ट मैं लास्ट में बताऊंगा किस टाइप का टेस्ट होगा। और सबसे पहले हमने क्या क्या कर लिया, बैलेंस शीट के पहले डे में हमने सिर्फ फॉर्मेट देखा, अगले दिन में हमने सारे 19 के 19 जो थे वो नोट्स टू अकाउंट्स बना लिए। आज हम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे और इसके नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाएंगे। तो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस पहले क्या होता था, नॉर्मली थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको, है कुछ नहीं, आप इस तरीके से बनाते थे ट्रेडिंग पीएनएल। जैसे जैसे हम आगे बढ़ जाते हैं ना तो ट्रेडिंग पीएनएल नाम की कोई चीज नहीं होती, वो सिर्फ 11th क्लास में हुआ करता था ट्रेडिंग पीएनएल, अब नहीं होता ट्रेडिंग पीएनएल, अब होता है इनकम और खर्चा, इतना इनकम इतना खर्चा ये प्रॉफिट, दैट्स इट। कोई ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं, कोई पीएनएल का कॉन्सेप्ट नहीं, कोई जीपी का कॉन्सेप्ट नहीं ग्रॉस प्रॉफिट का, और कोई नेट प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट नहीं। सिंपल सी बात है भाई, हमने इतना कमाया प्रॉफिट, इतना पैसा आया और इस पैसे को कमाने के लिए हमने इतना खर्चा किया और ये हमारा नेट प्रॉफिट है, सरकार इस पे टैक्स ले लो। फंडामेंटल तो सिंपल सा देखा जाए तो अगर तो यही होना चाहिए, लेकिन 11th में थोड़ा हमें अकाउंट्स के ना बेस को बताया जाता है और वो बताया जाता है सोल प्रोप्राइटर के हिसाब से। तो यहां पे भी ट्रेडिंग रेडिंग के झंझट में नहीं पड़ना, पहले हम इधर क्या लिखते थे सारे खर्चे फिर इधर इनकम, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते थे ट्रेडिंग पीएनएल, ऊपर का हिस्सा सारा पीएनएल और ट्रेडिंग, यहां पे क्या होता था डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता था, नहीं होता था। अब ऐसा कोई कहानी नहीं है, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा, बल्कि पहले से थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे टॉप पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और ये होगा हमारा रोमन में फर्स्ट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, एडवांस नाम हो गया सेल्स का, ठीक है ना, एडवांस नाम किसका हो गया सेल्स का, है सेल्स ही। तो इधर लिख लिया हमने नोट नंबर, अब 19 तक था तो इसका नोट डलेगा, समझे आप, 20। तो यहां पे आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, समझ में आ जाएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर रोमन में 2 लिखेंगे, रोमन में 2 लिखा जाएगा अदर इनकम। अदर इनकम इसका नोट नंबर 21 आएगा। अभी नोट नंबर 21 में क्या डलेगा वो एक साथ ही बना दूंगा ना मैं सबका नोट, जैसे लास्ट क्लास में बनाया था तो वैसे ही बना लेंगे। अब पॉइंट नंबर जो 3 जनरेट होगा ना, ये होगा टोटल इनकम, टोटल इनकम क्या होता है सर, टोटल इनकम होता है आपका 1+2, यानी इन दोनों का जोड़, यहां पे आ जाएगा आपका टोटल इनकम। बस सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। तो सर यहां पे अगर कमीशन रिसीव हो तो कहां जाएगा अदर इनकम में, डिस्काउंट रिसीव हो तो कहां जाएगा, यानी सेल्स सिर्फ यहां पे, उसके अलावा जितने भी आपके मन में इनकम ख्याल आता है और आपने आपको पता है आपने देखा है वो सब कहां पहुंच जाएगा इनकम, अदर, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, सब कहां चला जाएगा अदर इनकम। अब आपको टोटल इनकम पता चल गया, प्रॉफिट निकालना है जी आपको, तो क्या माइनस कर दो इसमें से, तो यहां पे हमारा पॉइंट नंबर 4 आ जाएगा, हेडिंग डलेगा एक्सपेंस का, ये हेडिंग डलेगा सर एक्सपेंस में। अब सबसे पहले क्या आएगा, सिंपल सी बात है आपको पता होगा एक्सपेंस में मेजर जो पॉइंट होता था वो क्या होता था, मेजर पॉइंट होता था हमारा यहां पे परचेज, मेजर पॉइंट क्या होता था। तो अब यहां पे देखो जो फॉर्मेट में लिखा है वही चीज आपने फॉलो करना है, ऐसा नहीं करना कि इसको 1 आपने ऐसे लिख दिया, इसको फिर 2 लिख दो, इसको 3 लिख दो, या फिर आपने इधर लिखा ही नहीं, तो आपके मार्क्स कटेंगे डेफिनेटली। ये चैप्टर आपको इसलिए सिखाया जाता है ताकि आप कैलकुलेशन तो सीखो ही, साथ के साथ इन कंपनी लॉ के अंदर जो बातें लिखे उसके इंपॉर्टेंस को समझो, ठीक है ना। अब पॉइंट नंबर 4 है, 4 के अंदर अब देखा जाए तो अब ए बी स्टार्ट होगा, 5 नहीं आएगा, अब क्या स्टार्ट होगा ए बी, ध्यान रखना है आपने, और कुछ बच्चे कर देंगे ए, ये भी गलत है,
लॉ के अंदर अगर लिखा है स्मॉल ए लिखना, तो आपने स्मॉल ए लिखना है, समझ गए बात। स्मॉल ए में क्या आएगा हमारा, मैं सिंपली लिख रहा हूं यहां पे परचेज, परचेज आ जाएगा। इसके लिए नोट नंबर क्या बनाएंगे, 22। बी पार्ट आएगा अब चेंज इन स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री बोलते हैं वैसे, हालांकि हमें पता है कि इन्वेंट्री का दूसरा नाम स्टॉक ही है, देखा था, इसको क्या बोलेंगे, चेंज इन इन्वेंट्री। इसके लिए नोट नंबर 23। अब सी पार्ट आएगा, सर सी पार्ट में क्या आएगा, सी पार्ट में आएगा एम्प्लॉई बेनिफिट, एम्प्लॉई बेनिफिट, पॉइंट नंबर 24, नोट नंबर 24। अब डी पार्ट आ जाएगा, सर डी पार्ट क्या आएगा, फाइनेंस कॉस्ट, ये आ जाएगा 25। ई पार्ट आएगा, ई पार्ट क्या आएगा, डेप्रिसिएशन, नोट नंबर 26। सर एफ पार्ट क्या आएगा, अदर एक्सपेंस, सत्ताईस नोट नंबर। सर इसके अलावा भी कुछ लिखना है क्या हमें, नहीं बस। अब आपको पता है ये वाला हिस्सा सब क्या है, खर्चा, तो हम इसको बहुत सिंपल और बिल्कुल हमारे शेयर होल्डर को अच्छे से समझ में आए, तो हम एक पॉइंट नंबर 5 ड्रॉ करेंगे और लिख देंगे टोटल। अब बताओ टोटल एक्सपेंस क्या होगा, यही सारा हो जाएगा। अगर मैं यहां पर लिखूं तो लो जी ये क्या बनेगा हमारा, सिंपल से वर्ड में कहें तो टोटल। अब आपको इनकम भी पता है, खर्चा भी पता है, इनकम का क्या पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3। खर्चे का क्या पॉइंट है, पॉइंट नंबर। अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट प्रॉफिट बताइए, माइनस कर देंगे, उसके लिए पॉइंट नंबर आ जाएगा 6। तो ये आ जाएगा प्रॉफिट, अभी नेट प्रॉफिट निकाला है, सरकार को टैक्स दिया नहीं है, तो इसलिए इसे बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको अर्निंग बिफोर टैक्स भी बोला जाता है, आपने ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। कैसे आएगा जी, अगर इसका मैं आपसे पूछूं तो आपका जवाब आना चाहिए, सर आप एक काम करो 3 में से माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, 5, 4 तो ये डाला मैंने, ठीक 5, ठीक है ना, माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट, और ये रहा हमारा प्रॉफिट। अब सरकार को टैक्स देना है, अब इसमें से हम माइनस कर देंगे पॉइंट नंबर 7 लेस इनकम टैक्स, और ये वाला जो इनकम टैक्स होता है ना वो पेमेंट नहीं होता, ये वाला इनकम टैक्स हम प्रोविजनिंग करते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स जिस साल बनाया जाता है उस साल का पेमेंट होता है अगले साल। आपने इनकम टैक्स में देखा होगा असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर, उसके अंदर फंडामेंट, जो सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनको तो नहीं पता होगा, अभी सीखेंगे थर्ड सेमेस्टर में आके, फोर्थ वालों को, क्योंकि जनरली होता क्या है, ये पूरा साल है, 1 तारीख को स्टार्ट हुआ, खत्म कर दिया कब, 31 मार्च को, आपने यहां पे तो पीएनएल बनाया, तो टैक्स कहां से दे दोगे, पीछे घूम के जाके तो नहीं दे सकते आप टैक्स कब दोगे, हमेशा। तो ये पीएनएल बना किस डेट तक का, 31 तक का, क्या ये 31 को ही बना है, नहीं, क्योंकि फ्लिपकार्ट वगैरह देख लो, अमेजोन देख लो, 12 बजे तक सेल करते हैं रात के, तो ऐसा तो कोई जादू नहीं है कि 1 सेकंड में बैलेंस शीट बना ले, है ना। तो ये जो 31 तक का बैलेंस शीट बना है, अब यहां पे हमें पता चला ओ नेट प्रॉफिट, अब यहां पता चला अच्छा सरकार को टैक्स, तो क्या मैं 31 को दूंगा, बाद में दूंगा, इनफैक्ट इस डेट तक का बैलेंस शीट बनाओगे, और बनाने में 3 से 4 महीने लगते हैं बैलेंस शीट को, एक बैलेंस शीट को, क्योंकि बैलेंस शीट का मतलब सारी, कोई एरर नहीं होना चाहिए, तो यानी आप पेमेंट करोगे बाद में। तो अब मैं मुझे बताओ, जो ये मैंने टैक्स निकाला है यहां पे लिखा है, इसका पेमेंट हो जाएगा इसी साल, नेक्स्ट साल, इस साल कौन सा पेमेंट होता है, पिछले साल वाले का होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, टैक्स का हमेशा आपको रेट गिवन होगा, 50%, 35%, 40%, तो किसके ऊपर निकालोगे, प्रॉफिट ये है,
इसके ऊपर टैक्स का रेट निकाल दो कैलकुलेट। सपोज करो ये 2000 बताए और रेट बताए आपका 50%, तो 2000 पे 50% यानी 1000 निकाल दोगे, माइनस कर दोगे, और ये क्या आ जाएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये पॉइंट नंबर आ जाएगा 8। अब मैंने याद होगा बैलेंस शीट में करवाया था शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में प्रोविजन फॉर, वो ये वाला उठ के चला जाता है वहां पे, हम क्वेश्चन करेंगे तो पूरा तो पता चलेगा ही चलेगा, नो डाउट, वो ये वाला उठ के वहां चला जाता है। समझ रहे हो बात को, जब क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। अब हम फटाफट से सबके नोट देख लें क्या क्या आता है, एक बार रफली बताऊंगा आपको फटाफट पता भी चल जाएगा, या मैं लिखता जाता हूं कितने नोट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बस 8 नोट है। तो आपके 27 नोट है, लेकिन संभावना है करते करते प्रैक्टिस हमारे हर क्वेश्चन में 27 नोट तो नहीं बनेंगे, लेकिन हाँ 17 से 18 नोट तो बनेंगे ही बनेंगे, कट पिट के जो रहेगा, जो जानकारी होगा उसी के हिसाब से लेके चलेंगे। कितने बनाने हैं, 8 ना, चलो बन जाएगा 8 तो। सबसे पहले आ जाते हैं नोट नंबर, कौन सा नोट, नोट नंबर 20, किसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें क्या क्या हो सकता है, अब हर व्यापार अपना अलग अलग होता है, तो दो जगह से रेवेन्यू आता है, एक तो नॉर्मल सेल से आ सकता है, ठीक है, किससे आ सकता है हमारा, सेल से, एक नंबर दो आ सकता है सर्विस प्रोवाइड से, आपने सेल्स किया कुछ और सर्विस प्रोवाइड किया, यानी एकदम कोर रेवेन्यू में ये मत लिखना प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जिसका आपका बिजनेस है, मान लेते हैं एक दो तरीके का बिजनेस है, एक व्यक्ति है जिसका कपड़े की दुकान है और उसका स्कूल भी है, स्कूल की भी इनकम आ रही है और कपड़े दोनों का मिला के उसे एक ही बैलेंस शीट बनाना है, अगर कंपनी एक ही रख रहा है वो तो ऐसे सिचुएशन में जो कपड़े की दुकान वाले इनकम आ रही है जो बेच के, उसे कहां रखेगा वो, सेल्स में, और जो स्कूल से पैसे आ रहे हैं तो कुछ बेच थोड़ी रहा है स्कूल में, वो किस में आ जाएगा, सर्विस में। इन दोनों का टोटल करके आपको यहां लिखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सर सर्विस वाला पॉइंट नहीं पूछा जाएगा, हमेशा कौन सा पॉइंट होगा, सेल्स का पॉइंट होगा, समझे बात। अब सर एक क्वेश्चन आता है मुद्दे का, सेल्स रिटर्न भी सुना था याद है, तो जी सेल्स रिटर्न यहीं से क्या कर देंगे, माइनस माइनस सेल्स रिटर्न। सर सेल्स रिटर्न का एक और वर्ड सुना था, रिटर्न इन वर्ड, ठीक है ना, समझ में आई बात आपको। अब ये जाके टोटल हुआ और ये नोट पहुंच जाएगा 20 नंबर पे, समझे, नोट नंबर 21, किसका है जी नोट नंबर 21, अदर इनकम, अदर इनकम, इसमें क्या क्या आ सकता है, इंटरेस्ट रिसीव, और क्या आ सकता है सर, कमीशन रिसीव, और क्या आ सकता है सर, रेंट रिसीव, और क्या आ सकता है, और डिस्काउंट रिसीव, है ना, और एक्सेट्रा डाल देता हूं मैं, और भी चीजें हो सकती है लेकिन सारी बातें तो नहीं लिख सकते मैं यहां पे, तो वो आप खुद ही पता चल जाएगा, अरे ये तो बिजनेस का इनकम ही नहीं है, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स वो भी यही आएगा, समझे। तो यहां पे आ जाएगा ये जी, लोड डन हो गया हमारा, नोट नंबर कौन सा, 21, समझे। अब किस पे आएंगे हम, नोट नंबर 22, किसका था, परचेज, ठीक है, नोट नंबर 22 परचेज। परचेज में ना आप सामान जो खरीदते हो वही रहेगा,
जो परचेज में सामान खरीदोगे बेचने के लिए, जैसे कपड़े की दुकान वालों के लिए क्लॉथ, प्रोविजनल स्टोर वालों के लिए क्या होगा, दाल चावल चीनी आटा, तो जिसका जो काम है। तो यहां पे सिंपल सी वर्ड लिखेंगे हम क्या, परचेज क्या गुड्स, और इसमें से माइनस कर देंगे क्या परचेज रिटर्न, इसका दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड, लिख नहीं रहा लेकिन मैंने बोल दिया, ध्यान रखना आप रिटर्न। ये लो जी ये नोट भी डन, ये नोट पहुंच जाएगा 22 में। अगले नोट पे चले, अब बाकी छोटे छोटे नोट है, एक नोट काफी इंपॉर्टेंट है बस। एक नोट काफी इंपॉर्टेंट है बस, और वो नोट कौन सा है, वो अदर एक्सपेंस। वैसे तो सारा ही इंपॉर्टेंट होता है लेकिन अदर एक्सपेंस वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर नोट नंबर आएगा हमारा 23। क्या आएगा सर 23 में, 23 नंबर है चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री। क्या क्या आएगा यहां पे, आएगा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक इन्वेंट्री बोल लो या स्टॉक, माइनस में क्लोजिंग इन्वेंट्री या स्टॉक। मैंने स्टॉक लिख दिया, आप इन्वेंट्री भी लिख सकते हैं। अब इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों पॉसिबल है सर। दोनों कैसे, मान लो ओपनिंग स्टॉक 50 है और क्लोजिंग 100 है, तो माइनस में आ गया ना। तो अगर नेगेटिव आएगा तो हम यहां माइनस में लिख देंगे, और पॉजिटिव आएगा तो हम, ज्यादा से ज्यादा चांस रहता है हमारे क्वेश्चन में एग्जाम में नेगेटिव पूछा जाए, नेगेटिव में आ जाता है। समझ में आई बात आपको, आपने याद याद करो एक चीज, मैं आपको याद दिलाता हूं। क्लोजिंग स्टॉक की दो एंट्री होती है, एक होती है ट्रेडिंग में बैलेंस शीट में, तो कौन से वाला, क्लोजिंग का। तो देखो एक क्लोजिंग यहां पे आ गया, और एक याद करो मैंने बैलेंस शीट में भी लिखवाया था, ये सारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, याद है। तो ये दोनों जगह डबल एंट्री होता है, तो सेम ही है कहानी, वही है बिल्कुल, बस थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक तरीके से, और कुछ भी नहीं है। नोट नंबर 24, एम्प्लॉय बेनिफिट। सर एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय बेनिफिट क्या होता है, जो वर्कर को दिया जाता है सैलरी, वेजेस, और क्या मिलता है, बोनस, अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या होता है, वर्कर को हम हाउस रेंट अलाउंसेस और अदर अलाउंसेस भी देते हैं, जैसे वर्कर को रहने के लिए मकान दे दिया, तो इसको काइंड ऑफ आप अलाउंसेस परकिजिट्स बोल सकते हो, ठीक है ना। बेनिफिट फैसिलिटी बोल लो, और क्या हो सकता है हमारा, एम्प्लॉयर का ईपीएफ, याद होगा ईपीएफ, तो प्रोविडेंट फंड भी हम दे रहे हैं एम्प्लॉय का। हाँ, क्या होता है, मालिक भी तो अपने जेब से पैसे लगाता है, तो जो मालिक दे रहा है वो, तो कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, कॉन्ट्रीब्यूशन CONT कर देता हूं टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो बस इतने ज्यादा तो आएगा नहीं, सिर्फ सैलरी और वेजेस ही होता है अभी तक, तो आपने यही देखा है, जो देखा है वही रहेगा। लो जी डन। इसके बाद क्या है, नोट नंबर 25, क्या फाइनेंस, नाम से ही क्लियर है फाइनेंस, जहां पे भी वर्ड आ जाए तो मतलब ब्याज, इंटरेस्ट से मतलब है यहां पे फाइनेंस का मतलब, और इंटरेस्ट भी कौन सा, देने वाला। तो यहां क्या क्या आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैं एक्सेट्रा लिख दूं, ज्यादा स्पेस नहीं है इससे, मैंने यहां फिनिश कर दिया। कुछ बच्चे और भी बोल सकते हैं, जिस पे भी इंटरेस्ट देना होगा वो आ जाएगा, समझे, कोई दिक्कत, कोई यहां तक परेशानी। चलिए इसके बाद नोट नंबर 26, 26 क्या है हमारा, इसमें तो मुझे नहीं लगता बताना है, कुछ बताने की जरूरत लग रही है आपको, ये आपको पता चल रहा है, जितने भी पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो लिखा था, जितने भी, यानी सिंपल वर्ड लैंड बिल्डिंग फर्नीचर मशीनरी जो भी है, फिक्स एसेट्स, उस पर डेप लगेगा, वो अलग से आएगा कैटेगरी बना के,
तो यहां पे लिखेंगे हम डेप्रिसिएशन किस पे, ऑन हो सकता है प्लांट एंड मशीनरी, और डेप्रिसिएशन हो सकता है ऑन फर्नीचर, और डेप्रिसिएशन हो सकता है एक्सेट्रा कर देते हैं, इतना क्यों खींचना इसको है, समझ में आ जाएगा ना आपको। तो अगर कंप्यूटर पे होगा तो कहां आएगा, यही आएगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का जगह ही बना दिया। किसी भी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन होगा, फिक्स वाले पे वो यही आएगा, समझे बात। तो आप देख रहे हो हमारा पी एंड एल, अगर मान लेते हैं पुराने वाला बैलेंस शीट होता है ना, तो जितने आइटम होता उतनी लंबी बैलेंस शीट बनती, होता है ऐसा। अब बैलेंस शीट लंबाई कम कर दी, कितना भी बड़ी कंपनी हो, चाहे रिलायंस उठा लो, टाटा उठा लो, उसका पी एंड एल इतना ही होगा, लेकिन उसके नोट्स क्या होंगे, बड़े बड़े होंगे। तो किसी भी शेयर होल्डर को ना ये टेंशन नहीं होती कि कितना सैलरी दिया, किसको पीएफ काटा, बोनस काटा, वो देखता ही नहीं नोट्स, वो जा देखता है, अच्छा सैलरी में इतना खर्चा कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन इतने का लगा रहे हैं, वो मोटी मोटी बातों को देख के संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ये आसान बन गया किसके लिए, शेयर होल्डर के लिए। हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि हर चीजों को हमें एक सिस्टमेटिक बता रहे हैं। किसी को जानना है सेल के इतने का भाई कैसे है, तो देख लेगा नोट जाके कि भाई तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग वाले से सेल्स इतना है, सर्विस वाले से इतना है, अदर इनकम में क्या है, तो देख लेगा कमीशन बोनस क्या क्या रेफरल वेफरल जो भी होता है वो सारा एक यहाँ पे, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं जी, डेप्रिसिएशन 26, इसके बाद अदर एक्सपेंस, 26 कर दिया, अदर एक्सपेंस सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बोला भी मैंने, सबसे इंपॉर्टेंट भी बोला। यस, ये प्रॉफिट एंड लॉस के नोट्स हैं, कहां गया लाइव क्लास, ये रहा है स्पेस। चलिए उससे तो कम जगह, मतलब कि उससे तो कम कॉम्प्लिकेटेड है बैलेंस शीट से, तो अब ये क्या है हमारा नोट नंबर 20 और लास्ट नोट, अदर एक्सपेंस। अब आपके मन में इसके अलावा जितने खर्चे चल रहे हैं ना वो यहां आ जाएगा, सर इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, जैसे रेंट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, जैसे कैरेज। अब ना एक बात ध्यान रखना, कई बार आप ना आंसर को, क्योंकि कई बार ना कैरिज जो इनवर्ड होता है यानी फ्रेट जो होता है वो हमारे ना इन्वेंट्री का मतलब के परचेजिंग का पार्ट बन जाता है और कई बार नहीं बनता। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई सामान मंगवाया और सामान मंगवाने में आपका खर्चा मान लेते हैं कि 1 लाख का सामान था और 1000 रुपए का खर्चा हो गया उसको लाने में, तो कई बार लोग बाग ऐसे ट्रीट करते हैं, यार मेरा सामान तो 1,01,000 का ही है, तब तो वो क्या करते हैं परचेज में कैरिज को जोड़ देते हैं। कई लोग ऐसे करते हैं कि भाई जो 1,000 रुपए का सामान आया वो तो मैं दूसरे से रिकवर कर लूंगा, तो ये तो मेरा परचेज का खर्चा नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में परचेज में सिर्फ प्योर परचेज दिखाते हैं और कैरिज यहां दिखा देंगे, लेकिन जिसका दिमाग ऐसे काम कर रहा है भाई ये भी तो परचेज का ही पार्ट है, वो क्या कहां दिखाएंगे, वो इस नोट में परचेज वाले नोट में कहां करेंगे, कहां गया ये रहा, यहां ऐड कर देंगे कैरिज इस वाले पार्ट में। तो आप में बुक में दोनों तरीके से देखने को मिलेगा, तो घबराना नहीं है, टेंशन भी नहीं लेना, सिंपली आप कहीं भी करो आपका आंसर क्या रहेगा 100% करेक्ट। तो यहां पे क्या आ जाएगा, कैरिज इनवर्ड, और क्या आ सकता है सोचिए, और बैड डेट्स, और क्या आ सकता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, और क्या आएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी आएगा, है ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इसके ऊपर स्टार, क्योंकि इसमें कई बार माइनस प्लस में डिजिट आ जाता है, पुराना प्रोविजन नया प्रोविजन वो देखेंगे। और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को मैं दो तरीके से कराऊंगा, वैसे यहां पे भी आ सकता है, दूसरा अदर इनकम का भी पार्ट बन सकता है, जब हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो अच्छे से समझेंगे कहां कहां जा सकता है। और क्या आ सकता है 7 नंबर पे बताइए, डिस्काउंट अलाउड, और क्या आ सकता है, कमीशन पेड,
सर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वगैरह याद आ रहा हो तो सैलरी में जोड़ देते थे, तो बिल्कुल यहाँ पे भी जब एडजस्टमेंट होगा तो इसी में जोड़ेंगे, ठीक है। प्रीपेड घटा देते तो यही घटाएंगे। अब मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, आउटस्टैंडिंग क्या होगा, खर्चे में जुड़ जाएगा, डबल एंट्री करते थे, दूसरा कहाँ जाता है, लाइबिलिटी में, तो लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग की जगह क्या है, करंट लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटी में भी कौन सा है, अदर करंट लाइबिलिटी, वहां जाके दिखा देंगे, तो हो गया एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट तो वही है जो कि आपने 11वीं में सीखा, आपने फर्स्ट ईयर में सीखा, एडजस्टमेंट वही है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी सीखा आपने, लेकिन बस फर्क यह है थोड़ा सा हमें ना पेज पलटना ज्यादा पड़ सकता है, एक एंट्री यहां है तो एक एंट्री आपके दो पेज के बाद जाए, क्योंकि नोट्स बनाओगे ना सारा, तो बस ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन सही जगह पे भेजना है, ये नहीं कि आपको लग रहा है कि ज्यादा दूर जाना पड़ रहा है कहीं भी डाल दो, तो वो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। कमीशन पेड, कमीशन पेड के बाद अब भी मेरे दिमाग में ना तो बहुत सारे खर्चे हैं, जैसे कि हो सकता है आपका, मान लो आपका लाइटिंग एंड हीटिंग, और क्या हो सकता है, और भी बहुत सारे खर्चे हैं, तो यहां पे नहीं लिख रहे, मैं इसको एक्सेट्रा कर दूं तो चलेगा, और भी हो सकता है, रिपेयर हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका, रिपेयर के अलावा देखा जाए तो वाटर बिल हो सकता है, स्टेशनरी का खर्चा हो सकता है, तो जो पीएनएल वाला आपने सीखा ना फर्स्ट सेमेस्टर में, इतने सारे खर्चों की लिस्ट, तो कुछ चीजें तो जो यहां आ गई सो आ गई, जो बच गए उसे उठा के यहां लिखना। और यहां पे कितने चीजों को अलग किया गया, इंटरेस्ट और एम्प्लॉय से रिलेटेड खर्चा और डेप्रिसिएशन, तीन ही चीज तो है, इंटरेस्ट यहां फाइनेंस में, एम्प्लॉय से रिलेटेड खर्चा, और बाकी सबको उठा के कहां डाल दिया, कैरेज इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो आएगा इसी में, समझ में आए, कोई दिक्कत? तो ये हमारा पूरा तैयार हो गया बैलेंस शीट और पी एंड एल। अब मुद्दे की बात ये आती है, सर हम क्वेश्चन को जब करेंगे तो तीन दिन में तो आपने ये कराया, क्वेश्चन कैसे करेंगे, सब हो जाएगा, लेकिन बसरते मैं आपको सिर्फ एक सजेशन दूंगा, आप जितना भी हमने किया है सभी ने बोर्ड पे से नोट कर लिया, वो क्लास वर्क था, होमवर्क में भी क्या करेंगे, आप दो बार इसको करके लेके आएंगे, आपसे जब मैं पूछू ना, ऐसा होना चाहिए जब मैं आपसे पूछूं कि भाई बिल्डिंग कहां जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में बिल्डिंग जाएगा, फिक्स एसेट्स के इसके अंदर में, उस टाइम पे ऐसा नहीं है, बिल्डिंग बिल्डिंग, कोई बच्चा बोल रहा है करंट, नहीं 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 फिक्स, तो वो तुक्केबाजी वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना। तो वो चीज आपको, सो दैट सबसे पहले तरीका क्या होगा, सबसे पहले पूरा बैलेंस, जैसे जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप किया है ना इसको, सेम उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्या करना है आपको, बैलेंस शीट बना लेना है। हाँ मैं ये जरूर बोलूंगा, यहां पे 6 आइटम है तो आपको जितने याद है, 3 है तो 3 तो लिख दो ऐसे, इनकम रिसीव में छोटे हो जाएंगे थोड़े, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अदर इनकम में आएगा, 2 याद है 2 लिख दो टाइम बचाने के लिए, लेकिन नोट्स सबके बनाओ। अब सर सबके नोट्स जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो सबके नोट्स तो बनाने हैं, लेकिन हम उसके अंदर नोट्स पता है कैसे कम कर सकते हैं, जिसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई एंट्री नहीं है, तो उसको हम डायरेक्ट अमाउंट भी लिख सकते हैं। अब नोट्स देखोगे तो मैंने क्या इसके लिए नोट बनाया, नहीं बनाया, क्योंकि इसके लिए 2 एक ही अमाउंट है। क्या मैंने इसके लिए नोट बनाया, नहीं, 1 ही अमाउंट है, तो जिसके लिए 2 अमाउंट को जोड़ कर लाना हो ना कहीं से, तो सिर्फ उसके लिए नोट बनाया जाता है, समझ पा रहे हो आप, ठीक है ना। तो चलिए यहां पे आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एक बार मैं पीएनएल को भी एक्सप्लेन कर दूं, मान लो मेरा, आप मुझे बताना, मान लो मेरा 100 रुपए 50 रुपए, तो टोटल कितना क्या है ये 150, टोटल इनकम, इसके बाद मान लेते हैं 10 15 5 3 2 4, खर्चा टोटल बताओ जल्दी से, 39। अब कौन बच्चा प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 111, रेट है हमारा टैक्स का 50%, तो कितने आ गए 55.5। अब बैलेंस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी क्या बचेगा, तो सेम ऐसा ही होना है, लेकिन बसरते अगर यहां से अमाउंट सही उठा के लिखा है तभी तो कर पाओगे, अगर यहीं पे आपने गलत गलत डाल दिया अमाउंट, इधर उधर डाल दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। चैप्टर बहुत सिंपल है लेकिन है
लेंदी थोड़ा सा, ठीक है ना। इसके अंदर अगर मैं आपसे पूछूंगा, क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे, आप पहले फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। तो बैलेंस शीट का जो बेसिक था फाइनल अकाउंट का, पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। अब एडजस्टमेंट तो करने की जरूरत नहीं होगी, बेसिक बेसिक से एडजस्टमेंट है। कुछ एक पॉइंट जैसे मैंने बोला था जनरल रिजर्व के ऊपर फोकस करेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो,